हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, एक और अच्छी न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स का साल में दो बार एग्ज़ाम होता है, तो इस बार जो नेवी का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त 2020 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी नोटिफिकेशन नेवी ने जारी कर दिया है। कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और क्या वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं, क्योंकि नेवी तो बता देता है वैकेंसी, एयरफोर्स में ये सब चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। उसके अलावा क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो गाइज़, ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो नोटिफिकेशन इस प्रकार का है, कोई भी फेक नोटिफिकेशन ये है नहीं, नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता है ऑफिशियल वेबसाइट से भी, कई जगह पे पहले ही आपको मिल जाएगा। उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल ए और SSR का एक कॉमन एग्ज़ाम आपका होता है। SSR में यहाँ पे आपको देखिए कोई भी परसेंटेज नहीं मेंशन है, लेकिन डबल ए के लिए आपको 60% जो है मिनिमम रिक्वायर्ड होना ज़रूरी है, जो कि आपका 10+2 यानी कि 12th क्लास में होगा। इसके लिए वैकेंसी की बात कर लूँ तो डबल ए के अंदर जो है आपका 500 वैकेंसी है और 2200 वैकेंसी जो है आपकी SSR में रहने वाली हैं। और आपको बताइए SSR की वैकेंसीज स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें तो खैर बाद की बात हैं, लेकिन अभी हम SSR में देखें और डबल ए में देखें तो बाकी सिलेबस वही सेम है, एक ही कॉमन एग्ज़ाम होगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आप सभी लोगों के लिए, ये आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2000 से, यानी कि मिनिमम आपका 1 अगस्त 2000 आपका होना चाहिए। अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 2003, ठीक है, 2003 वाले कैंडिडेट जो है इसको कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है ना। आपका मैक्सिमम हो सकता है 2000 तक और मिनिमम हो सकता है 2003 तक, तो ये दोनों डेट आप यहाँ पे ध्यान में रख के अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम पे अलाउंसेस की बात करें तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, 14600 पे अलाउंसेस आपका होता है जब आपका ट्रेनिंग होता है, उसके बाद में मेट्रिक पे के हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। खैर, इन चीज़ों को बाद में हम देख लेंगे कभी, लेकिन अभी अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी जो चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिटेल्स में लिखा गया है कि सिलेक्शन रिक्रूट्स इज़ बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है ना, एंड फिटनेस इन मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए डबल एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो पहले आपका जो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसको क्लियर करना आपको ज़रूरी होता है। उसमें आपका मेरिट बनता है और उस मेरिट को क्लियर करने के बाद में आपका PFT होता है, फिर उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होता है, तो वो सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद आप डबल एग्ज़ाम ले सकते हैं। इसी के अलावा SSR एग्ज़ाम जो होता है, सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट इज़ बेस्ड ऑन स्टेट वाइज मेरिट ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ठीक है ना, तो इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि इसमें भी आपका सेम वही फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे जो मेरिट जाती है वो आपकी स्टेट वाइज आती है, आपने इस बार देखा ही होगा डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की, तो इसमें जो क्या होता है कि वन कॉमन एग्जाम विल बी कंडक्ट फॉर डबल ए एंड SSR एंड द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विद टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क्स, ठीक है ना। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाई लैंग्वेज हिंदी एंड एग्जाम इंग्लिश एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पार्ट्स होंगे उसमें इंग्लिश होगा आपका, साइंस होगा, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, तो ये सारा सिलेबस जो है आपका 10+2 बेस पे होगा और ये सिलेबस जो है आपका joinindiannavy.gov.in पे वेबसाइट पे अवेलेबल भी है, ठीक है ना। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर एंड पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पे 0.25 मार्क्स का दिया गया है, यानी कि 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट की मैं बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग आपको 7 मिनट में करना है, 20 स्क्वेयर्स यानी कि उठक बैठक होगा, 10 पुशअप्स होगा और ये सारी चीज़ें आपकी जो होंगी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में होने वाली हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप अपना देख सकते हैं, तो यहाँ पे मिलिट्री डॉक्टर्स के द्वारा आपका मेडिकल होगा, उसमें 155 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए एंड चेस्ट आपका जो है मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम कितना चाहिए नहीं मेंशन है, लेकिन इतना आपके पास में होना ज़रूरी है। और उसके अलावा गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट लाइकली टू इन्फेक्ट इंटरफेयर विद द एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ड्यूट्स बोथ आर ओवर
तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन किया गया है कि आपका फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप सही होने चाहिए, डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेडिकली हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा जो रहता है आईज़ का रहता है यहाँ पे, तो बेटर आईज 6x6, रोस्ट आईज 6x9, और यहाँ पे देखिए ये विदाउट ग्लासेस हैं, और विद ग्लासेस आपकी 6x6 और 6x6 ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस दोनों कंडीशन में ऐसा ही होना चाहिए। ओके तो उसके अलावा देखिए टैटू वगैरह भी आपके परमिट यहाँ पे नहीं होते हैं। नॉर्मल टैटू जैसे कुछ लोग होते हैं हाथ के ऊपर ओम वगैरह ऐसा कुछ छोटा मोटा लिखवा लेते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन बड़ा टैटू आपका अगर कुछ करवा रखा है तो वो नहीं चल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेनिंग आपका जो है अगस्त 2020 में आपको बुलाया जाएगा। उसके अलावा गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेसर, इसमें 215 रुपये का आपका जो है एक टोकन बनने वाला है, चालान बोल सकते हैं आप उसको, तो वो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी छूट नहीं है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम जो है इसके कॉल लेटर जो हैं आपके फेब 2020 में होंगे डाउनलोड, और एग्ज़ाम में भी मार्च में ही होने वाला है और फरवरी में भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ गया है, आप सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है थोड़ा जल्दी होने के चांसेस हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए सारी चीज़ पहले ही मेंशन की 8000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा पीएफटी के लिए, 30 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली आपका यहाँ पे दिया गया है कि आप कैसे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 नवंबर से 18 नवंबर सिर्फ 10 दिन का टाइम आपको दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका joinindiannavy.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट 10+2 मार्कशीट रेडी फॉर रेफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं उसके आपको चाहिएगा, और रजिस्टर करना है आपको joinindiannavy.gov.in पे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, आपका ईमेल आईडी वहाँ पे चाहिएगा। और द एप्लीकेंट मस्ट बी इंश्योर वाइल फिलिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म दे आर प्रोवाइडिंग द वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच शुड नॉट बी चेंज टिल सिलेक्शन प्रोसीजर इज़ ओवर, ठीक है। तो आपको ऐसा एडमिट कार्ड के लिए आपका जो है जो आपका ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर ऐसा देना है जो आपका चालू रहे, मतलब कभी भी आपको कुछ भी अगर मैसेज वगैरह भेजना हो उन लोगों को तो वो आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो आपको ईमेल आईडी से लॉगिन करके और करंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, और वहाँ पे आप अप्लाई बटन आएगा उस पर क्लिक करने के बाद में आप अपनी डिटेल्स फिलअप करेंगे और सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो अपनी जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके हिसाब से स्कैन करके आपको ओरिजिनल अपलोड करना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करना होगा। उसके अलावा देखिए फोटोग्राफ जो है यहाँ पे आपके लिए बताया गया है शुड बी इन गुड क्वालिटी विद ब्लू बैकग्राउंड, तो देखिए ब्लू बैकग्राउंड रखिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा, लाइट ब्लू, आप डार्क ब्लू भी ना रखें, थोड़ा सा लाइट जिसमें आपका बैकग्राउंड दिखे। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एप्लीकेंट मे बी अपलोड फ्रॉम कैमन सर्विस कॉमन सर्विस सेंटर CSC अक्रॉस द कंट्री एंड अगेंस्ट ए फिक्स फीस ऑफ RS 60 GST फैसिलिटीज एंटायरली ऑप्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप CSC से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं या आप खुद भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है डोमिसाइल के रिगार्डिंग, अगर आप SC ST से नहीं हैं और आपने ऑप्शन को टिक कर दिया है तो आपकी जो है एग्ज़ाम कैंडिडेटरी कैंसिल हो सकती है और उस एग्ज़ाम से आप वंचित हो सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा अप्लाई करने की वो है आपका 18 नवंबर, तो इससे पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है, और आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। बाकी आप सभी लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ मिल जाएगी, और इस नोटिफिकेशन का PDF फाइल भी आप अगर वेबसाइट से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम का, तो वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो गाइज आई होप ये सारी जानकारी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कोई भी समस्या अभी भी रही हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। उसके अलावा गाइज वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, और कोई भी समस्या रहे तो कमेंट करना मत भूलना। उसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ओके गाइज सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।